से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस ऑफ एसक्यूएल, जो टॉपिक हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो मैंने सिलेबस को फोर पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट फेज के अंदर हम करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल बेसिक्स क्या है, इंस्टॉल कैसे करना है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ईआर मॉडल क्या होता है। सेकेंड फेज के अंदर हम करेंगे कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, की एंड कॉन्स्टेंट कौन कौन से होते हैं, एसक्यूएल कमांड्स क्या होती है और इनको कैसे यूज़ में लेना है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। एंड थर्ड फेज के अंदर हम करेंगे ऑपरेटर्स, जैसे कि लाइक, बिटवीन, इन नॉट इन, एग्जिस्ट नॉट इन, नॉट एग्जिस्ट, इनका यूज़ एंड कमांड के अंदर कैसे ये काम करती हैं। इन क्लोजेस के अंदर हम करेंगे ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, हैविंग एंड डिस्टिंक्ट, और इनको कमांड के अंदर कैसे यूज लेना है ये सब करेंगे। फोर्थ फेज होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इसके अंदर हम करेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, सब क्वेरी कैसे यूज में लेते हैं, जॉइंस क्या होता है, व्यू क्या होता है और इंडेक्सिंग क्या होती है। तो ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे और एसक्यूएल कमांड की प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो डेटाबेस क्या है एंड टाइप कौन कौन से हैं डेटाबेस के, एसक्यूएल क्या है, क्यों यूज़ में लेते हैं, ये सब हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा।